हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है हु विल यू मैरी। आपके लाइफ पार्टनर कौन होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, लाइक आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, क्या मंथ होगा, क्या सीज़न होगा, वो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, लाइक उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनसे आप मिलोगे कैसे, कब मिलोगे, किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, एंड रैंडम डिटेल्स जो भी होगी, जो भी नज़र आएगी, डेफिनेटली आज की रीडिंग में हम देखेंगे। बहुत से लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बेसिकली आई वाज सो मच बिजी, सो दैट्स व्हाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट आई थॉट कि अब टाइम है, सो रीडिंग इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। डिटेल में रीडिंग होगी, जितनी भी डिटेल हो सकेगी डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू। सो आपने करना ये है कि आप लोगों के सामने दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। ग्रुप वन है ये, ग्रुप टू है ये, ग्रुप टू ये है, ठीक है। जिसमें भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों ने वो ग्रुप चूज़ करना है, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ आपने चूज़ करना है, बिकॉज ऑब्वियसली ये रीडिंग जो है ये सिंगल्स के लिए भी है। अगर आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो, आप लोग डिवोर्सी हो तो भी देख सकते हो, सिचुएशन कुछ भी है, जो भी इंटरेस्टेड है शादी में और वो देखना चाहता है रीडिंग को, आप लोग देख सकते हो। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप दोनों चेक कर लीजिएगा, दोनों में से कहीं पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो ये दो ग्रुप्स जो हैं मैंने डिवाइड किया है इस रीडिंग को, दो ग्रुप्स में आप लोग चूज़ कर लीजिए, शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें, ओके। सो आपकी, बिकॉज ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ रीडिंग। सो अगर आप चैनल पर नहीं हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि कोई भी रीडिंग आप मिस ना कर सकें। एंड गाइस, ऑल नोटिफिकेशन पे मस्ट क्लिक किया करें। और अगर आप पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टा आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे वहाँ पे भी मस्ट फॉलो करिए, ठीक है। इंट्रो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप पॉज करके अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए और टाइम स्टैम्प से अपना टाइमिंग देख लीजिए, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर वन, सो गाइज आप लोगों ने ये ग्रुप वन चूज़ किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ इन नंबर में से है, तो देखते हैं आपकी डिटेल, जानते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। बट सबसे पहले मैं थीम देखूंगी आप लोगों के लिए, लाइक आप लोगों की जो भी शादी होनी है उसका थीम क्या रहेगा, मेन कार्ड आप लोगों के लिए मैं देखूँगी। सो लेट्स सी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने ग्रुप को पूरा देखिएगा। हमारे पास है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर डैट बीइंग हैप्पी मीन्स डैट आई एम आई डोंट नो मेरे वर्ड्स को क्या हो रहा है। मे बी आप लोगों की जब शादी होगी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग खुश होगे, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस की एनर्जी है। ये पर्सन का स्टार साइन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकता है, और जैसे मुझे ब्लबरिंग हो रही है, तो डेफिनेटली आप लोग इतने खुश होगे कि आप लोगों की एक्साइटमेंट में आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि आप लोगों को इतनी खुशी मिल गई है। लाइक आप लोग बोलना कुछ चाहोगे और बोल कुछ रहे होगे एक्साइटमेंट में ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी और आप काफ़ी ज़्यादा खुश होगे, ठीक है। और आप लोगों को लगेगा काफ़ी टाइम से जो आप वेट कर रहे थे, डेफिनेटली फाइनली आप लोगों का टाइम आ गया है, और आप लोगों को अंदर से आपकी सोल से महसूस होगा कि आप लोग अब बिल्कुल ठीक रास्ते पर हो। इतनी ज़्यादा टाइम से जो आपको वेट करना पड़ रहा था, या फिर आप लोगों की कहीं पे बात नहीं बन रही थी, रिलेशनशिप कोई किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसकी रीज़न ये थी कि आपकी शादी इस पर्सन से होनी थी। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे हम फर्दर डिटेल ज़रूर देखेंगे, ठीक है। सो मेन थीम आपका हैप्पीनेस है, डेफिनेटली आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा आपको खुशी महसूस होगी, ये शादी भी आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएगी डेफिनेटली। चलिए आप देखते हैं कि आपका मेन थीम होगा आपकी मैरिज का, आपके कनेक्शन का, खुशी मिलेगी आपको, आप खुश रहोगे, ठीक है। सो चलिए हम फर्दर आप देखेंगे, ये मैं इसको इधर रख लेती हूँ एंड इसको इधर कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं कि लाइक आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप वन जिनका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप वन में, उनकी शादी किससे होगी, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कुछ डिटेल बताइए यूनिवर्स। ग्रुप वन जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी शादी किससे होगी,
फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड वी हैव द एम्प्रेस एस ऑफ पेंटिकल्स. अच्छा, इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है. यहाँ पर मैंने कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी आप लोगों को बताया है. अगर मैं बात करूँ एज की, तो इस पर्सन की एज 22, 23, 32, 31, 21 ये रह सकती है. ठीक है, सो आई फील लाइक आप लोगों की शादी जो है जिस पर्सन से होनी है, इस टाइम ये पर्सन अपने फाइनेंसिस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर चुका है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ लाइक इनकी हो चुकी है और ये भी अब शादी करना चाहता है ये पर्सन में. ठीक है, सो आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है, आप लोग भी शादी का वेट कर रहे हो. ये पर्सन आपके जो जिनके साथ आपकी शादी होनी है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ओबियसली दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव. तो ये शादी आपकी एक जो मुझे होती हुई अभी तक नज़र आ रही है, वो मुझे चांसेस कुछ लोगों के लिए लव मैरिज के नज़र आ रहे हैं. बट ये लव मैरिज आपकी तरफ से भी हो सकती है और आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से भी हो सकती है, दोनों की तरफ से फ्यूचर लाइक मुझे ये शादी जो है लव मैरिज के चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. ज़रूरी नहीं है आप ऑलरेडी किसी के साथ अभी कनेक्शन में हो या कोई आपका लवर है तो उसी से ही होगी. नो, इट डजेंट मीन. ठीक है, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है. हो सकता है ये पर्सन कोई अननोन हो जिसके साथ आप मिलो, शादी के बाद आपका लव स्टार्ट हो सकता है, या हो सकता है आप लोगों की पहले मीटिंग हो सकती है उनसे और आपकी शादी हो सकती है उनके साथ. लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों की या तो आपकी या आपके फ्यूचर स्पाउस की कोई मदर, उनकी तरफ से जो है ना आप लोगों की शादी होगी. ठीक है, अदरवाइज़ ग्रोथ आपकी शादी में बहुत ज़्यादा है, आपके फैमिली बनेगी, आपके बच्चे होंगे. लाइक वन ईयर के आफ्टर मैरिज, वन ईयर के अंदर अंदर आप लोग लाइक एक्सपेक्ट कर लोगे और आपकी ओबियसली आप लोग फैमिली आपकी आगे बन जाएगी, लाइक बच्चा आपका हो जाएगा वन ईयर के अंदर अंदर. बट राइट नाउ आपके जो ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये इस टाइम थोड़े से कन्फ्यूज हैं, इनको मेंटल टेंशन लगी हुई है. हो सकता है इनके पास अभी थोड़े से कुछ ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, या इनको समझ नहीं आ रही कि अभी इनको अपने आपको फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या अब इस पर्सन को शादी कर लेनी चाहिए. बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सेटल है. बट फिर भी कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा पड़ी रहती है फाइनेंशियली, जो भी कोई सक्सेसफुल हो भी जाए फिर भी वो जाता है और से और उसको मिलता जाए. तो ये सिचुएशन कुछ अभी चल रही है. बट अभी मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस नज़र आ रहे हैं. बट सबकी लव मैरिज नहीं हो सकती, कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हैं ये लव मैरिज है आपकी, तो हो सकता है किसी आपके पर्सन की तरफ से लव मैरिज हो सकती है, या दोनों में से किसी एक की तरफ से तो मस्ट होगी ये लव मैरिज. लाइक हो सकता है आप उनके साथ रिश्ता तय होने के बाद आपको उनसे प्यार हो जाए. ठीक है, मैं यहाँ पर लवर किसी की बात नहीं कर रही हूँ कि आपका कोई लवर है. नो, मैंने लवर की बात नहीं की, मैं कह रही हूँ हो सकता है आपकी रिश्ते होने के बाद आपको इनसे प्यार हो जाए, उनसे शादी हो सकती है आपकी. ठीक है, सो अब मैं कुछ यहाँ से देखना चाहूँगी कि उनकी जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी. ग्रुप वन के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी. नंबर 19 कॉफिन, नंबर 16 थॉट्स. पर्सनैलिटी की है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते होंगे हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा सोचने वाले हैं कि ये पर्सन को पास्ट की जो पुरानी बातें हैं ना वो तक इवन के याद होती होंगी. जो पुरानी किसी को याद भी नहीं होती होंगी ना, इनको वो बातें भी याद होती होंगी. बहुत अच्छा, इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी हो सकती है ये पर्सन की. मैं अगर पर्सनैलिटी कुछ नेचर की बात करूं तो ये अपने पास्ट को मुझे लगता है भूलने वाला, बहुत मुश्किल से ये पर्सन पास्ट को भूलने वाला है, या पास्ट की बातों को. कुछ ऐसी मेजर ट्रेजडीज़ जो हो जाती हैं, आई डोंट नो मेरे वर्ड्स को आज क्या हो रहा है, सो सॉरी. जो ट्रेजडीज़ हो जाती हैं अपनी लाइफ में आप लोगों की कुछ बड़ी बड़ी, तो ये उन चीज़ों को कुछ लोगों को भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो ये पर्सन कुछ ऐसे मुझे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले हैं. पेंटर हो सकता है ये पर्सन, लाइक या मुझे पेंटर लग रहा है जैसे. हो सकता है इनका अपना कोई पास्ट हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी वो मैरिज सक्सेसफुल नहीं रही होगी, तो ये सेकंड मैरिज आपके साथ होगी. अब यहाँ पे कोई भाषण ना देना स्टार्ट कर दीजिएगा, बट सबके लिए सब कुछ मैच नहीं होता. ठीक है, कुछ बातें आपके लिए होंगी, कुछ किसी और के लिए होंगी. सो या मुझे यहाँ पे ये लग रहा है.
बट 19 नंबर 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए. देन वी हैव 33 कंसर्न, 33 इनकी अपनी एज हो सकती है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. कंसर्न डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले ये पर्सन है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है. आप लोगों का, कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ लोग 20 प्लस हो सकते हैं, कुछ लोग 30 प्लस हो सकते हैं, तो इस तरह का कुछ डिफरेंस आप लोगों का हो सकता है. 5 to 10 ईयर्स का डिफरेंस भी हो सकता है. बट ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला पर्सन है और बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन है. बहुत ज़्यादा सोचता होगा ये, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत सोचते हैं किसी भी चीज़ का एक्शन लेने में या किसी भी चीज़ के पास्ट में. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं बिकॉज यहाँ पर एनर्जी मौजूद है. इनकी पर्सनैलिटी मैंने आपको बताई, ये इनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है. सो नाउ आई विल सी कि आप उनसे मिलोगे कैसे और कब तक मिलोगे, ठीक है. फ्यूचर स्पाउस से कब तक मिलोगे का मतलब ये नहीं होगा कि मिल गए तो शादी होगी उसी टाइम, मैं ये बात नहीं कर रही, बस मैं वैसे कह रही हूँ कि आप मिलोगे कब, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में. सो लेट सी, नंबर वन जो ग्रुप नंबर वन है, जिन्होंने ग्रुप नंबर वन चूज़ किया है, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे. वी हैव विक्टम मेंटालिटी, नंबर 7 कॉन्शियसनेस. 77 नंबर इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए. 27, 37 इनकी अपनी एज भी हो सकती है. देन वी हैव नंबर 2 फैमिली. देन वी हैव नंबर 7 डिसेप्शन. हो सकता है आप लोगों को किसी ने चीट किया है, आप लोगों को जब कोई चीट करेगा तो आप लोग इनसे मिल सकते हो, ठीक है. अदरवाइज किसी फैमिली के थ्रू आप लोग इनसे मिल सकते हो. जब हो सकता है, मुझे लगता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होगे, काफ़ी एंजाइटी में होगे, तो उसके बाद आप लोगों के मिलने के चांसेस इनसे बन सकते हैं, ठीक है. अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी है. हो सकता है आप लोगों को किसी ने चीट किया होगा, या आप लोगों की ऑलरेडी आप लोगों की शादी हो सकती है. आप लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ये आप लोगों की ऑलरेडी कहीं पे शादी टूटेगी, वहाँ पे आपके बच्चे भी हो जाएंगे. उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होगे, तो तब आप लोगों के ये बहुत पीक लेवल का जो आप लोगों की एंजाइटी वाला फेस होगा ना लाइफ का, वहाँ पर आप लोगों के मुझे मिलने के चांसेस लग रहे हैं आप लोगों के इस स्पेशली आपके इस फ्यूचर स्पाउस के साथ. जब आप लोगों को कोई चीट कर रहा होगा, चीट कर चुका है आपको, आप लोगों ने धोखा खा लिया है, और उसके बाद आप लोगों का बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन वाला फेस है. हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी आप लोगों में से मैरिड हो चुके होंगे, उसके बाद सबकी बात नहीं हो रही कि सब शादीशुदा होंगे, नो. कुछ लोग हो सकते हैं आप अभी देख रहे हो सेकंड मैरिज के लिए, तो आप लोग अगर शादीशुदा हो उसके बाद आपका काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट फेस स्टार्ट होगा. उसके बाद मिलने के चांसेस आपके इन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हैं. सो आई फील लाइक 2 to 7 weeks या 2 to 7 months में आप लोग आई फील लाइक इनसे मिल सकते हो. यहाँ पे चांसेस ये मुझे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली 7 months, विद इन 7 months, बिकॉज यहाँ पे 7 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है. सो ये मुझे सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है. किसी तरह के इवेंट में भी आप लोग मिल सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली इवेंट में आप जाओगे लेकिन वहाँ पर आप लोग परेशान काफ़ी ज़्यादा हो गए. मैं ये नहीं कह रही काफ़ी खुश खुश होंगे, नो. तो यहाँ पर मिलने के मुझे आप लोगों के कोई चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं. नाउ आई विल सी के आपका उनके साथ रोमांटिकली कोई कनेक्शन कैसा रहेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ रोमांटिकली आप लोगों की लाइक कनेक्शन कैसा रहेगा, रोमांस कैसा रहेगा, लव कैसा रहेगा ग्रुप वन का उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ. रोमांस, लव, कनेक्शन कैसा रहेगा रोमांटिकली. देन वी हैव लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम. काफ़ी अच्छा आप लोगों का इनके साथ जो है कम्युनिकेशन लेवल रहेगा, ठीक है. ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. जब आप लोगों का क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा तो आप दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा प्यार वाली बातें करेंगे ये आपके साथ. देन वी हैव रेंडिजोवियस, अ प्राइवेट गेट अवे फॉर 2 इज कॉलिंग. यस, डेफिनेटली आप दोनों का जो टाइम होगा उसमें ये पर्सन किसी भी तरह की इंटरप्शन, किसी थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी इन्वॉल्व करना ना तो पसंद करेंगे, ना ही किसी और की एंट्रेंस ये पर्सन बर्दाश्त करेगा. देन वी हैव लव लैंग्वेज, गिफ्ट गिविंग. ये आपको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट देने वाला पर्सन होंगे. किसी तरह का पेट आप लोगों को जो है ये गिफ्ट कर सकते हैं, ताकि एज अ मेमोरी, ठीक है ना, एज अ मेमोरी आप लोगों के पास उनकी रहे, कि आप लोग जब भी उस पेट को देखो, किसी तरह का कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं उनको, देखो तो आपको इनकी याद आ जाए. ऐसा गिफ्ट जो हो सकता है आप लोगों को खुद भी पसंद हो सकता है, ऐसा गिफ्ट भी आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपको दे सकते हैं. बट डेफिनेटली बहुत अच्छा आपका इनके साथ एक रोमांटिक लव लेवल पे जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है. तो जो ऑब्वियसली जो सोचता बोलता है वो पर्सन अच्छा होगा,
क्योंकि उनको अपनी कोई गलती भी करेगा तो उस चीज़ पे भी काफ़ी ओवर थिंक करेंगे ऐसे पर्सन, ठीक है। सो अब देखेंगे हम कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा गाइस कि दिस इज़ द पर्सन, कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप वन जिन्होंने चूज़ किया है उनको कैसे पता चलेगा कि ये उनके फ्यूचर स्पाउस हैं। फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, हाउ विल यू नो देम लाइक दिस इज योर फ्यूचर स्पाउस। सो लेट्स सी, वी हैड राउंड एंड राउंड 25 इनकी एज हो सकती है, अगेन 7 की एनर्जी है। देन वी हैव नंबर 1 यंग ऑब्जर्वर। आप लोगों को ऑब्जर्व करने की सबसे पहले तो ज़रूरत होगी बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डीपली चीज़ों को देखना। जब आप नोटिस करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा साइन मिलेंगे और मुझे लगता है बैक टू बैक ये पर्सन आप लोगों के सामने आता रहेगा जब तक कि आप लोगों को पता ना चल जाए कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। यहाँ पे यंग की एनर्जी है, काफ़ी मैस्कुलिन, काफ़ी फायरी एनर्जी होगी, इसलिए सैजिटेरियस हो सकता है इनका स्टार साइन। अदरवाइज ये पर्सन काफ़ी मैस्कुलिन होंगे, अगर फीमेल भी होगी तो डेफिनेटली मैस्कुलिन होगी, देखने में तो काफ़ी पीसफुल लगेंगी लेकिन थोड़ा सा इनकी एटीट्यूड में थोड़ी हार्शनेस हो सकती है। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव, ये बार बार बैक टू बैक आप लोगों के सामने यूनिवर्स इसको लेकर आएगी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये वो पर्सन है। तो नोटिस करना आप लोगों का अपना काम है, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स तो मुझे यही मैसेज दे रही है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर की एनर्जी है। 49 इनकी अपनी एज भी हो सकती है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस पर्सन का स्टार साइन भी एरिस हो सकता है, बट राउंड टू राउंड है, बैक टू बैक ये पर्सन आप लोगों के सामने ज़रूर आएगा। आपने अपने इंट्यूशन को काम लेकर देखना है कि ये क्या आपको साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो डेफिनेटली सोचना आप लोगों ने खुद है, ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को हर चीज़ का आंसर मिलेगा और आपको पता चल जाएगा। बट आप लोग मिलोगे रैंडमली, वैसे ही बहुत बार आप लोगों की मुलाकात होगी आपके इन फ्यूचर स्पाउस से, जब आप लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा, पता आपको डेफिनेटली चल जाएगा। हो सकता है ये कुछ हैंड से रिलेटेड काम करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हैंड्स की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। वैसे देखने में ये बहुत ज़्यादा भोले भाले लड़की लड़का जो भी इनकी लाइक जेंडर है होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ हाथों से हैंड से रिलेटेड कोई काम होगा इनका, या आप हैंड से पहचान सकते हो उन्हें। काफ़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी लाइक होगी कि हैंड से कोई काम करना, उससे रिलेटेड शायद आपको कुछ चीज़ें समझ आ सकती हैं, बिकॉज ऑब्जर्वर की एनर्जी यहाँ पर आई है। मैं ये कार्ड भी लूँगी क्योंकि आपका काम है उनको तलाश कैसे करना है, आप वो चीज़ें छोटी छोटी कैसे नोटिस करनी है, ये आप लोगों के अपने ऊपर है। अब देखेंगे यहाँ पे कि आपकी शादी जो है किस सीज़न में होगी, शादी आपकी कब तक होने के चांसेस हैं, ठीक है। ग्रुप वन की शादी कब तक होने में होने के चांसेस हैं, कौन से सीज़न में शादी होगी ग्रुप वन की। हमारे पास है ऑटम, सो गाइस ऑटम में आप लोगों की शादी होने के यहाँ पे चांसेस हैं। ऑटम या ऑटम में चांसेस हैं यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है मुझे। अब आप देख लें ऑटम का बात है, ठीक है। आई फील लाइक आपकी शादी के चांसेस यहाँ पे बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ये वाले मंथ्स में, ठीक है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप वन। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, पसंद आई हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है या अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो गाइस आप लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स में है। सो देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, शादी आपकी किससे होगी, कुछ रैंडम डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो हो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी डिटेल जो है वो मिस ना कर सकें। सबसे पहले मैं थीम देखूँगी आप लोगों की इस शादी का थीम क्या रहेगा। ग्रुप 2 जिन्होंने जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, थीम क्या रहेगा आपकी मैरिज का, आपके कनेक्शन का थीम क्या रहेगा। मेन थीम हमारे पास है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। आपका यहाँ थीम ये रहेगा कि गाइस आप किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करोगे, लाइक आप लोगों की शादी हो भी जाएगी ना तो फिर भी आप लोग लाइक अपने फ्यूचर स्पाउस जो आपके होंगे आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा काम रहोगे। ये खुद में ये पर्सन भी आपको काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली लाइक
आपको अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने देंगे, किसी भी तरह की किसी भी तरह का फोर्स नहीं करेंगे, किसी तरह का भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज इनको आप पे पूरा ट्रस्ट होगा. सो आई फील लाइक दे डोंट नीड टू कंट्रोल यू, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों को एक फ्री हैंड, ऐसा फ्री हैंड भी नहीं कि बिल्कुल भी नज़र ही ना हो आप पे, ऐसी बात नहीं है, बट आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, किस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे. लाइक एक अच्छा कनेक्शन गो विद द फ्लो टाइप का जाएगा, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह की पाबंदियाँ, किसी तरह की अपनी जमाने वाला अपना कंट्रोल रखने वाला ऐसा पर्सन नहीं है, वट एवर चाहे इनका जेंडर कुछ भी होगा, ठीक है. चलिए आप देखेंगे आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, कौन होंगे फ्यूचर स्पाउस जो आपके ट्रू लवर होंगे. ऑब्वियसली दिस पर्सन इज योर डेस्टाइन पार्टनर. ग्रुप टू की शादी किससे होगी, देखेंगे आपकी शादी लव होगी अरेंज होगी और शादी आपकी किससे होगी. सो लेट्स सी, बाकी फर्दर एंड डिटेल जो है आगे वीडियोस में आपको पता चल जाएंगे. सो सबसे पहले हमारे पास द डेविल, ओ कैप्रिकॉर्न इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है. देन वी हैव द हैंगमैन, पाइसिस स्टार साइन हो सकता है इनका. देन वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, सैगिटेरियस स्टार साइन भी मुझे यहाँ पे आपके इस फ्यूचर स्पाउस का लग रहा है. एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, एरियस लियो सैगिटेरियस. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप जो हो इस टाइम आपके आप भी परेशान हो, आपके फ्यूचर स्पाउस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर ली है, ये अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, कोशिश कर करके ये भी थक गए हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. हो सकता है आप लोग भी थक गए हो अपना फ्यूचर स्पाउस को ढूंढ ढूंढ के, आपको समझ ही नहीं आ रही इतने लोगों की. मुझे लगता है आप लोगों ने भी रिजेक्शन देखी है और सेम एज इट इज़ आपके इस फ्यूचर स्पाउस के साथ भी है कि ये भी काफ़ी रिजेक्शन देख रहे हैं, काफ़ी लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी प्रपोजल ये रिजेक्ट कर चुके हैं ये भी, और लोग भी इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, आपकी तरफ से भी ये हो सकता है, ठीक है. लाइक आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो आपकी शादी हो रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो, उस वजह से आपकी हेल्थ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है. तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं कोशिश कर करके, रिश्ते देख देख के इनकी अपनी जो है ना एक एनर्जी वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है. लाइक हो सकता है इन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस भी किए हैं, इनकी एज भी ज़्यादा होती जा रही है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, शादी की कोई एज नहीं होती, बट मुझे लग रहा है इनको लग रहा है जैसे इनकी एज निकलती जा रही है. अदरवाइज ऐसा लग रहा है इनकी या आप लोगों की, ये स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देख रहे हैं, तो 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी तरह से भी आप लोग देख लीजिएगा. सो अदरवाइज आई फील लाइक इनकी जो एज है वो 36, 39 इतनी हो सकती है, ठीक है. सो मैं शादी की बात करूं तो मुझे शादी आप लोगों की अभी तक तो अरेंज ही नज़र आ रही है, बट आई वांट टू सी, बिकॉज लास्ट जो ग्रुप वन था वहाँ पे तो कार्ड्स में मुझे डायरेक्ट नज़र आ गया था कि शादी लव है या अरेंज है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह लगता है मुझे ये पर्सन करता होगा. यस, जिद्दी भी लग रहे हैं मुझे, या ये पर्सन जिद्दी भी लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा सोचने वाला लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाला पर्सन भी ये हो सकता है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट. इनकी जो लुक होगी वो काफ़ी गॉर्जियस, काफ़ी ग्रेसफुल होगी, अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवाते हैं इनको बहुत अच्छे से पता होगा, बट दिस पर्सन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट एंड इंटेलिजेंट, लेकिन परेशान भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, गुस्से वाला मुझे लग रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है इनको किसी भी चीज़ पे रिलेटेड, क्योंकि ये सेक्रीफाइस करने वाला पर्सन है, जहाँ पे किसी को ज़रूरत किसी चीज़ की है ये उस चीज़ को, आप लोगों को भी इनकी ज़रूरत होगी तो ये आपकी डेफिनेटली हेल्प बहुत किया करेंगे, आपकी परेशानी में परेशान हो जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. शादी मुझे आप लोगों की जो है ना गाइस वो लव नज़र आ रही है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है. ग्रुप वन में मुझे वन साइडेड कुछ लव लग रहा था, लाइक किसी एक पर्सन की तरफ से मोस्टली लव लग रहा था, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों की विश पूरी हो जाएगी, चाहे ये अरेंज भी होगी ना, बट आप लोगों को ऐसे होगा जैसे आपकी कोई ड्रीम पूरी हो गया, आप लोगों का विश पूरी हो गई है. आप लोगों में से कुछ लोगों की शादी अपने फ्रेंड से हो सकती है, किसी लोगों की म्यूचुअल फ्रेंड से भी शादी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द स्टार एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है. डेफिनेटली यू गाइज विल बी सेलिब्रेटेड योर मैरिज, ठीक है.
आपकी एक विश कम ट्रू होगा, आपका ड्रीम पूरा होगा इस पर्सन से शादी करके। एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्टार साइन हो सकता है इनका। यस, आप लोग काफ़ी खुश रहोगे गाइस, यहाँ पे जो चीज़ मुझे एक नज़र आ रही है। या अब देखते हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। बट सेक्रीफाइस करने वाला ये पर्सन है, कुछ हद तक कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस की जो थॉट्स हैं थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो सकती हैं, बट ऐसी कंजर्वेटिव नहीं होंगी कि आपको कंट्रोल करेगा। कुछ लोग कंट्रोल कर भी सकते हैं, बट जैसे मुझे सरेंडर की एनर्जी लग रही है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे। अगर कंट्रोल करेंगे भी शुरू में, तो आहिस्ता आहिस्ता जब इनका ट्रस्ट आप लोगों को बिल्ड हो जाएगा ना, तो ये वो आप लोगों पर ज़्यादा नज़र रखना या आप लोगों पर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करना भी ख़त्म कर देंगे। ग्रुप टू जिन्होंने चूज़ किया, जिनका डेट ऑफ बर्थ है, उनके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी। वी हैव द नंबर टू मेन फीमेल, 36 डिस्टेंस हॉरिजॉन। इनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा मुझे वैसे घुलने मिलने वाली लग नहीं रही। लाइक ये पर्सन जो है ना, ऑब्वियसली थोड़े से एग्रेसिव इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, थोड़ी सी हार्श, अपने करीब ज़्यादा लोगों को आने नहीं देते। एक गुस्से वाला पर्सन होता है ना, लाइक बहुत ज़्यादा ओपन अप किसी लोगों के साथ ना होना, इनकी पर्सनैलिटी वो है। लाइक ये जहाँ पे भी मौजूद होगा ये पर्सन, इसको एक अलग से एक यू नो लाइमलाइट में रखा जाएगा, वैसा ही इनकी है। लेकिन ये दूसरों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखते हैं, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ज़्यादा किसी के करीब नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक इंट्रोवर्ट है। पहली पाइल में तो मुझे एक काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी थी, इसमें इंट्रोवर्ट की एनर्जी है। नंबर टू इम्पोर्टेंट हो सकता है, 36 इनकी एज हो सकती है, 29 एज हो सकती है इस पर्सन की। सो ये सिचुएशन है। या बट इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती होगी, लेकिन जिनको ये इम्पोर्टेंस देते होंगे ना, ये भी किसी वजह से देते होंगे। लाइक ऐसे ही हर इंसान को ये इम्पोर्टेंस देने वाला पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सोच समझ के इम्पोर्टेंस देने वाला ये पर्सन है। जो होते हैं ना लड़के लड़कियां, जो भी होते हैं, कहीं दिल फेंकू, लाइक जिस पे भी देखा उस पे फिदा हो गए, ऐसा ये पर्सन नहीं है। ये पर्सन रूड हो सकता है, स्टार्टिंग में आपको रूड लग भी सकता है, तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा आपको टाइम भी लग सकता है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, वट एवर मेल फीमेल। अब देखते हैं कि आप लोग उनसे कैसे मिलोगे और कब मिलोगे। सो ग्रुप टू, अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे। वी हैव ट्रू लव, नंबर फोर की एनर्जी है यहाँ पे। देन वी हैव हिडन मोटिवेशन। आप लोग किसी तरह के कोई फंक्शन में, किसी इवेंट में इनके साथ मिल सकते हो। देन वी हैव डिजर्विंग। यस, मुझे लगता है किसी तरह का कोई शो वगैरह देखने जा सकते हो, कोई मूवी देखने जा सकते हो, कोई रोमांटिक मूवी किसी थिएटर में, किसी सिनेमा में, या मूवी तो सिनेमा में लगती है, तो वहाँ पे किसी बड़े पर्दे पे, यू नो बिग स्क्रीन पे, वहाँ पे आप कहीं देखने जा सकते हो। तो वहाँ पे आप लोगों को ये ना, आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस के मिलने के चांसेस हैं। वहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ से ये आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और इनको लगेगा जैसे इनको इनका ट्रू लव मिल गया है, आपको लगेगा आपको आपका ट्रू लव मिल गया, तो वहाँ पे आँखों आँखों में प्यार हो सकता है। तो ये मिलने के चांसेस मुझे 1 to 4 मंथ्स में लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, हालांकि ये पर्सन तो इतना रूड है क्योंकि नीचे नेचर नज़र आ रही है उस पर्सन की, बट स्टिल आप लोगों के साथ तो अच्छा रहेगा। सो आई फील लाइक हो सकता है ये पर्सन आपका ट्रू लवर बन जाएगा, चाहे इसने कभी किसी के साथ बात ना की हो, किसी क्लोज ना आया हो, लेकिन ओब्वियसली आपका फ्यूचर स्पाउस है, आपके क्लोज तो आएगा ही आएगा। आप देखते हैं कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आपके फ्यूचर स्पाउस की आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, आपका लव कनेक्शन, रोमांस कनेक्शन कैसा रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ग्रुप टू, फ्यूचर स्पाउस की रोमांटिक फीलिंग्स। मैरिज, डेफिनेटली आपकी मैरिज है, और मैरिज से आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपकी जो शादी होगी डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी खुशियाँ लेकर आएगी, और आपके फ्यूचर स्पाउस भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन एक्सप्रेसिव रहेगा आप लोगों के साथ। दूसरों के साथ तो एक्सप्रेसिव नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप है, फॉर्मल रहने वाला पर्सन है, बट आप लोगों को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हग वगैरह भी करेगा, किसेस वगैरह भी देगा, काफ़ी रोमांटिक है।
एंड देन वी हैव लास्टिंग लव. यस, ट्रू लव है यहाँ पे. ट्रू लव की एनर्जी 2 times रिपीट हो रही है. डेफिनेटली आप लोगों की यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस हैं, ठीक है. बट आई फील लाइक आप लोगों में से कुछ लोगों का यहाँ तो ये फ्रेंड है या फिर ये म्यूचुअल फ्रेंड में से कोई सीन है यहाँ पे. बट आपके उनके साथ मैरिज है, लेकिन आपकी शादी आपके ट्रू लव से है, ट्रू सोलमेट से आपकी शादी है, ठीक है. गाइडेड स्टेप्स टू ग्रेट लव, फॉलो द पाथ ऑफ एसेंशन. कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन को ऑलरेडी मिल चुके हैं, जैसे कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया फ्रेंड आपका कुछ म्यूचुअल फ्रेंड है, तो डेफिनेटली शादी आपकी है इनके साथ और हमेशा रहने वाली शादी होगी. प्यार हमेशा रहेगा, आप दोनों के दरमियान प्यार बिल्कुल भी कम नहीं होगा, ठीक है. अब देखते हैं आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं. हाउ विल यू नो देम लाइक दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. सो लेट्स सी फ्यूचर स्पाउस. नंबर्स पे फोकस करिएगा, कुछ भी तरह से नंबर्स आपसे रेजोनेट हो सकते हैं. जो स्टार साइंस मैं बता रही हूँ उन पे फोकस करना है आप लोगों ने. बट आप दोनों में से दोनों की कुछ पर्सनैलिटी, कुछ फीचर्स भी सेम हो सकते हैं. आपको हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को अपना आप में नज़र आएगा. आप लोगों की डिफरेंट नहीं होगी पर्सनैलिटी, काफ़ी सेम हो सकती है. आदतें मिल सकती हैं आप लोगों की. कैसे पता चलेगा ग्रुप टू को कि ये उनके फ्यूचर स्पाउस हैं. यूनिवर्स गाइड करिए. डीप नोइंग. देन वी हैव सरेंडरिपिटी. ओके सरेंडरिपिटी एंड डीप नोइंग. आई फील लाइक आप लोगों की इंट्यूशन आपको बताएगी सब कुछ कि ये पर्सन है. या सो एक तो ऐसे लग रहा है आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन को आप लोगों को, जैसे आप लोग समटाइम्स बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हो, लेकिन आप एकदम से कोई आपको चीयर अप कर रहा है, आपको खुश कर रहा है, आपको जीने की नई उम्मीद दे रहा है, आपको पॉजिटिविटी दे रहा है. तो उस तरह से हो सकता है कि ये पर्सन को आपको समझ आएगी कि लाइक ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है. बिकॉज यहाँ पे एनर्जी है इमेजिन की. आप लोगों ने इमेजिन ऐसा पर्सन किया हो सकता है. आप लोग बहुत ज़्यादा गौर करोगे, पहले हो सकता है आपको समझ ना आए, बट आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग सोचोगे, स्पेशली यहाँ पे ओवल की एनर्जी है, नाइट टाइम पे आप लोग सोचोगे कि आप लोग जब परेशान होते हो आपका साथ कौन देता है, आपको समझता कौन है, आपको सपोर्ट कौन करता है आप लोगों के डिफ़िकल्ट टाइम में, आप लोगों की परेशानी वाली टाइम में, उन चीज़ों से आपको काफ़ी आइडिया हो सकती है कि दिस पर्सन इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे मिलने की बात करूँ तो 7 to 9 months में आप लोगों के मिलने के चांसेस बन सकते हैं. अगर अदरवाइज ऑब्वियसली आपका ये कोई फ्रेंड है तो इन टाइम पीरियड में 7 to 9 months में आपकी शादी होने के चांसेस हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं शादी हो जाए, लाइक कमिटमेंट उनकी तरफ से मिल सकती है या रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. बट आप लोग जैसा इमेजिन कर रहे हो पर्सन, वैसा आपको समझ आ जाएगी कि ये पर्सन वही है जो आप लोग इनके बारे में सोचते हो, या जैसा फ्यूचर स्पाउस आप चाहते हो ये उस तरह का मिलता जुलता है, या जैसा एक इंसान ने कोई अपने इमेजिन में बनाया होता है ना कि ये पर्सन होगा जिससे आपकी शादी होगी, तो वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडियाज़ मिल सकते हैं. बड़ी चीज़ों से आप ना जानोगे, लेकिन आपको डीपली समझ आएगी कि जो पर्सन आपको खुश करता है, आपको किसी नेगेटिविटी चीज़ों से निकाल के पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आता है, आपकी परेशानी दूर करता है, या ये पर्सन आपको किसी मुश्किल टाइम में हेल्प करता है, तो वहाँ से आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा. कुछ लोग हो सकता है रैंडमली आप लोग कहीं जा रहे हो, वहाँ पे ये पर्सन आपको कहीं, जैसे मैंने बताया मूवी देखने जा रहे हो, वहाँ मिल सकता है. कुछ ऐसी ट्रेजेडी वहाँ पे आप लोगों के साथ हो सकती है कि ये पर्सन आपको सपोर्ट कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है किसी चीज़ में जो आपने कभी इमेजिन भी ना किया हो. तो वो आप ख्वाबों ख्यालों में सोचते हो तो वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी जब आप गौर से समझोगे इस चीज़ को कि ये तो पर्सन ऐसा है जिसको आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में सोचा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा. आप देखते हैं कि किस मंथ में आपकी शादी होने के यहाँ पे चांसेस है, कौन सा सीज़न, स्पेशली मंथ्स एंड सीज़न किस में होगी ग्रुप टू की शादी, कौन सा मंथ या सीज़न होगा जिसमें ग्रुप टू की शादी होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे. नहीं मिलना तो मैंने आपको बता दिया कब तक मिलोगे, लेकिन शादी होने के चांसेस देखेंगे. ग्रुप टू की शादी कौन से सीज़न में होगी. समर, मेरे माइंड में भी ये कार्ड था, समर में होने के चांसेस हैं. ऑब्वियसली समर चल भी रहा है, ठीक है, लाइक अप्रैल मई
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. इन ड्यूरिंग दीज मंथ्स आप लोगों की, दीज मंथ्स एंड दीज सीजन आप लोगों की जो है शादी हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप टू. आई होप आपसे रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. काफ़ी मैंने डीपली आप लोगों को रैंडम सब एक्सप्लेन कर दिया है, लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो आई होप आप पसंद करोगे. सो मुझे फीडबैक अपना ज़रूर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.